हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस के बारे में देख रहे थे। लास्ट में मैंने ये बताया था कि कोई भी कंडक्टर है या मेटल है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्या होता है, इमर्ज होगा, और नॉर्मली क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटालिक स्फीयर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कल डिस्कस कर रहा था तो आई थिंक मेमोरी फुल हो गया, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। यदि कोई क्या है, कोई मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, इसमें डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाए गए हैं, लाइन ऑफ फोर्स 1, 2, 3। तो आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। क्या है, कौन सा, विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले दो तीन पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एग्जिस्ट इन साइड द क्या होगा, कंडक्टर और मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप खुद से इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है कि फील्ड लाइन्स does not exist inside conductor or metal, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले पॉइंट से ये क्लियर हो जा रहा है कि इसमें कौन सा फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, समझ में आई बात, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेटालिक के अंदर जो है फील्ड लाइन, टू फील्ड लाइन जो है वो मेटल को पेनेट्रेट करते हुए जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जेज और टर्मिनेटेड नॉर्मली ऑन द सरफेस। तो उसे आप ध्यान से देखेंगे कि चलो फील्ड लाइन टू जो है मेटल के अंदर तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो सरफेस पे क्या है, मेटालिक सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। आई मीन ये एंगल जो है ये थीटा, यहाँ थीटा जो है यही टेंजेंट होगा, समझ में आया, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये थीटा दिया हुआ है, कौन सा, ए एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा नट इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, समझ में आया बात, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, थर्ड फील्ड लाइन देखोगे तो इसको डॉट ड्रॉ करो सेंटर से, तो यहाँ देखोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटालिक स्फीयर। तो देखो मेटालिक स्फीयर के अंदर जो थर्ड फील्ड लाइंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो ये टर्मिनेट हो रहा है नॉर्मली, और इमर्ज भी क्या हो रहा है नॉर्मली, तो ये जो फील्ड लाइन जो है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लो आप इस पे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस क्या दिया हुआ है, ए, और आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है। अब इसके सेंटर पे क्या किया गया है, इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये जान लो कि इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा, वो क्या होगा, अपीयर हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, केवल आप मान लो। तो यहाँ ये प्लस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब यहाँ भी आपसे कोई पूछे कि फील्ड लाइंस क्या होगा,
तो देखो एक कंडक्टर है इधर, इसको पेनेट्रेट फील्ड लाइन नहीं कर सकता है, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा इमर्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज पे क्या होगा टर्मिनेट होगा, समझ में आई बात, क्या होगा टर्मिनेट होगा और नॉर्मली टर्मिनेट होगा, याद रखना है नॉर्मली क्या होगा टर्मिनेट होगा। और फिर आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, अगेन आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा नॉर्मल, रेडियली क्या होगा तुम्हारा इमर्ज करेगा, ठीक है, रेडियली क्या होगा इमर्ज करेगा। आई मीन ये जो मेटालिक, ये जो मेटालिक पार्ट सॉलिड पार्ट है इसमें जो होगा फील्ड लाइंस क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला जो एक पॉइंट और है जो आगे हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप लिख सकते हो, तो बेटा याद रखना है कि कंडक्टर हो मेटल हो उसके सरफेस से ऑलवेज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है नॉर्मली क्या होता है इमर्ज होगा, और नॉर्मली क्या होगा टर्मिनेट होगा। कंडक्टर और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया, ये ध्यान आपको रखना है। अगला पॉइंट जो है ये आपको, ये देखो ध्यान से, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ मान लो कि माइनस Q2 चार्ज रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्या हो रहा है इमर्ज हो रहा है, देखो ध्यान से ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है देखो ऐसे निकल रहा है और यहाँ क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, समझ में आया। देखो ये एंगल कितना है, सॉरी ये टेंजेंट है, यहाँ ये वाला एंगल मान लो कि अल्फा से, इस चार्ज से अल्फा, दोनों लाइन देखो ध्यान से, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उससे अल्फा एंगल पे इमर्ज हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है बीटा एंगल पे क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, समझ में आई बात, क्या हो रहा है अल्फा एंगल पे क्या हो रहा है इमर्ज हो रहा है और बीटा एंगल पे क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, यहाँ क्या है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इमर्जिंग इमर्जिंग एट एन एंगल अल्फा एंड अल्फा, देखो ये किसके साथ दिया हुआ है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के साथ, एंड टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एट एन एंगल क्या होगा एंगल बीटा, देन आगे मैं इसको प्रूव करूंगा, देन याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू क्या होगा 1 cos α इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इंटू क्या होगा 1 cos β, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिख सकते हो, मैं यहाँ साइन नहीं ले रहा हूँ Q1, ये क्या हो जाएगा 2 sin² α/2 इक्वल टू Q2 2 sin² β/2, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो Q1 / Q2 इक्वल टू लिख सकते हो, देखो sin β/2 sin α/2, ठीक है, करोट। तो कभी कभी ये भी क्या होगा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए याद रखना, sin α/2 sin β/2 इज इक्वल टू √ क्या होगा Q2 अपॉन क्या हो जाएगा Q1, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मान लो कि यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस, ये बेसिकली ईरोडो का क्वेश्चन है, बाद में हम सॉलिड एंगल जब पढ़ लेंगे तो वहाँ ही मैं बता दूंगा, लेकिन फील्ड लाइंस मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, केवल रिजल्ट लिख दिया है पार्ट। इसके पहले बेसिकली ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया है, जब सॉलिड एंगल हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपेल ईच अदर लॉन्जिट्यूडनली देखो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो कि बी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज की टू है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो आपको मालूम है यहाँ से कोई पूछे कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो देखो यहाँ से क्या होगा, फील्ड लाइन से जाएगा और लॉन्जिट्यूडनली क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल करेगा। यहाँ से भी आप देखोगे तो फील्ड लाइंस ऐसे क्या होगा, इमर्ज होगा, इधर कहीं एक नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, तो ऐसे क्या होगा, फील्ड लाइंस यदि ये लाइक चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो लाइक चार्ज है यदि, तो जहाँ देखो इधर कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है। समझ में आई बात, यहाँ हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। यदि अनलाइक चार्जेज हो तो क्या होगा, ये मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे इमर्स करेगा, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, अब अनलाइक चार्जेज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। यदि लाइक चार्जेज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, पैटर्न ऐसे होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको होमवर्क है और ये आया हुआ अभी क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करना कि कोई क्या है, एक लैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इस पे लाइक चार्जेज क्यू 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 रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ फील्ड लाइंस, ड्रॉ फील्ड लाइन्स ड्यू टू चार्जेस शोन इन द फिगर, ठीक है। समझ में आया क्या, तो ये चार्जेस जो दिया गया है, फील्ड लाइन्स ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और आपको क्या करना है, फील्ड लाइन्स यहाँ क्या करना है, ड्रॉ करके दिखाना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिकली मुझे ऑप्शन याद नहीं है इसलिए, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो डाइपोल इम्पॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट भी है, और उसमें आई थिंक दो क्लास तो उसमें रहेगा ही, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, पारस ने क्वेश्चंस भी पूछा था इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। और तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेम, सिंपल, समझ में आया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यदि दो चार्जेस, दो लाइक चार्जेस, ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस है, एक चार्ज जो है हमने कहाँ रख दिया, दो चार्जेज हैं, एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज और एक क्या है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो है सेंटर है और इनके बीच जो सेपरेशन है
वो हमने क्या मान लिया, 2A मान लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो अब यहां ध्यान देना है कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इज इन नेचर आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अवे, देन कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू चार्जेस इज कॉल्ड, या सिस्टम ऑफ सच टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, यदि ये कोई भी पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस इसके सेंटर से आर दिया हुआ है, तो इन दोनों चार्ज को हम इलेक्ट्रिक, दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बोल सकते हैं जब आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मालूम चला है कि दो चार्ज सिस्टम को हमेशा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल सकते हैं। देयर इज सब कंडीशन कि कोई भी पॉइंट पी है, यदि ये पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, और यहाँ से इस पॉइंट पी का सेपरेशन क्या है, आर है, तो क्या होगा, यदि आर क्या हो जाएगा, इफ आर इज मच ग्रेटर देन क्या होगा ए, देन हम बोल सकते हैं कि फॉर पॉइंट पी दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस इज विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया, ठीक है। तो आगे जब आप बोलोगे सर आपने एक कंडीशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे, फील्ड लिखेंगे, तो वहाँ मैं इस चीज़ प्रूव करके बताऊंगा कि इसको कब हम डाइपोल की तरह हम ट्रीट करेंगे और कब डाइपोल की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे। समझ में आया। तो कभी कोई पूछे आपसे कि दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट नेचर का है, तो इनको इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कब बोलेंगे या कब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम इनको ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी पॉइंट पी है जिसका सेपरेशन इसके सेंटर से क्या है, आर है, तो आर का जो वैल्यू होना चाहिए मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन क्या होना चाहिए, टू चार्जेस, दैट इज ए और टू ए, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो इफ क्या होगा, इफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अवे, देन कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू चार्जेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Combination of an electric dipole। समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, electric dipole बोलते हैं, ठीक है। अब किसके लिए वो मैंने बता दिया है, समझ में आया ना, तो electric dipole और हम क्या बोलेंगे, electric dipole moment। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज
डिनोटेड एज कैपिटल पी वेक्टर। समझ में आया ना, इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये तो सिंपल ये थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गया कि दो चार्ज यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के हो बट अपोजिट नेचर के हों तो उन दोनों चार्ज के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम सोच सकते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन हम कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब क्या होगा, ये ध्यान देखना है कि मैथमेटिकली याद रखना है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डिफाइन एज पी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, देन इनटू क्या होगा आई कैप, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज से क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया क्या क्या होगा मैग्नीट्यूड, अब देखो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा सेपरेशन बिटवीन क्या होगा चार्ज। समझ में आया, तो डाइपोल मोमेंट आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखोगे, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। और याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए देखो मैंने यहाँ आई कैप लिखा है। समझ में आया ना, तो यहाँ अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको क्या लिखना है कि डायरेक्शन अब क्या होगा, डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा तो Q इंटू टू ए, जैसे ठीक है ये जो पॉइंट मैंने लिखा देखो ध्यान से, मान लो कि यहाँ क्या है दो चार्जेज हैं, ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है, तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो P का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ऐसे, ठीक है। समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा फ्रॉम पी निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ आप डायमेंशन जब लिखोगे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो, क्या होगा बताओ, कूलम, ठीक है, क्यू एल लिख सकते हो क्या, अरे चार्ज का डायमेंशन कैपिटल क्यू, लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा एल होगा तो क्यू एल होगा, ठीक है। इसका जो एस आई यूनिट वो क्या होगा कूलम सी मीटर, ठीक है। और समटाइम्स प्रैक्टिकल यूनिट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है ये भी याद रखना, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इज डीबे, डी ई बी वाई ई, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? प्रैक्टिकल यूनिट होता है। अब 1 dB का मतलब क्या होगा, उसको हम कैसे सोचेंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं कि CGS यूनिट, सिंपल, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट ज़्यादा आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है प्रैक्टिकली ऑलवेज क्या है, डीबे में मेजर किया जाता है, DEBYE। इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, 1 dB का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना कि यदि दो चार्जेज हों जिनका मैग्नेट, दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का हो बट अपोजिट नेचर का हो, लेकिन उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, 10^-10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, एंड यदि उनके बीच सेपरेशन 1 angstrom हो तो जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वही क्या होता है, 1 dB होता है। जैसे देखो ध्यान से, दो चार्जेस देखना है, यहाँ से ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 10^-10 ESU। आपको मालूम है यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -10^-10 ESU। और इनके बीच सेपरेशन जो 2A दिया हुआ है वो कितना होना चाहिए, 1 angstrom होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 1 angstrom होना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 dB बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देखो 1 dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो, अभी भी मालूम है कि 1 coulomb इक्वल टू क्या होता है, 3×10^9 ESU होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से देखो तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ से डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, चार्ज इंटू सेपरेशन, तो 10^-10 10^-9 अपॉन 3 इंटू 1 angstrom कितना हो जाएगा, 10^-10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, कूलम। कभी कभी ये रिलेशन पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। तो यहां से देखो 1 dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, 10×10^-3, ठीक है, कूलम मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3×, या ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ से रिलेशन भी मिल जाएगा, 1 coulomb per meter इज इक्वल टू क्या होगा, 3×, ठीक है, 3×10^2 कितना हो जाएगा, 29 dB, ठीक है। यहाँ से रिलेशन क्या करना, तुम याद रखना, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो 1 dB इज इक्वल टू क्या होगा, 3.3×10^-30, ठीक है, कूलम पर मीटर, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 dB का मतलब क्या हुआ कि टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 10^-10 इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 angstrom, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड 1 dB। समझ में आया ना, 1 dB का वैल्यू कितना होगा, 3.33×10^-30 कूलम पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया ना, आई मीन नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये तुमको लिखने आना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल देखो। जैसे जब भी डाइपोल मोमेंट लिखना है तो क्या ढूंढना है, चार्ज का पेयरिंग कर, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है।
जैसे देखो ये एक लेटरल ट्रायंगल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लेटरल ट्रायंगल है, देखो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्या है माइनस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्या है टू क्यू चार्ज है, ये साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब देखो क्या है, यहाँ नेट चार्ज क्या है, जीरो है नेट चार्ज। आइडियल केस में आप देखना, यदि आइडियल डाइपोल होगा तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये भी आप ध्यान देना कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल का मतलब क्या हुआ, इसको पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। तो आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होना चाहिए, नेट चार्ज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, तो यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज, देखो ये प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव चार्ज से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ यदि मैं एक डाइपोल ये कंसीडर कर लूँ पी वन, ठीक है, और दूसरा देखो एक जो माइनस क्यू चार्ज होगा, और ये माइनस एक प्लस क्यू चार्ज का माइन होकर के एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा पी टू। अब ठीक है, इनके बीच एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या करना है, फाइंड, यहाँ लिख लेना फाइंड नेट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल भी लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो आप एफ बी डी ड्रॉ करोगे, एफ बी डी, एफ बी डी या वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो, तो देखो एक डाइपोल इधर हो गया और दूसरा डाइपोल क्या हो गया, इधर हो गया, ये पी वन और दूसरा क्या हो गया पी टू हो गया, इनके बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ से पी वन का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, क्यू, तो क्यू इंटू क्या हो गया ए, सिमिलरली पी टू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P नट, ठीक है, समझ में आया ना मैग्नीट्यूड्स। अब दो वेक्टर यदि क्या दिया हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो आपको मालूम है कि जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, उनके एंगल बाई सेक्टर कहलाऊंगा, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। तो ये जो नेट डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इससे कितना होगा, 30 डिग्री पे होगा, और इससे क्या होगा, 30 डिग्री पे होगा, और ये कितना हो जाएगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। अब डायरेक्शन मालूम चल गया, मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड भी तुम वेक्टर पढ़े हो तो तुमको मालूम है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बता सकते हो, दो वेक्टर, अब देखो यहाँ से P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, P1 का मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो जाएगा P2 का मैग्नीट्यूड। अब फार्मूला यूज कर दो यार, तो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60, और cos 60 1 बाई 2 होता है। तो आई थिंक P का जो P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, रूट थ्री पी नट दिया हुआ है वहाँ देखो, और ये रूट थ्री क्यू इंटू क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो यही तुमको क्या मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल गया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा एक एग्जाम, तो क्या करना है, यदि चार्जेस दिए हुए हैं तो क्या करना है, पेयर कर देना है, प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आया। यही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो ध्यान से सोचो इसको, एक और एग्जाम्पल देखो, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने 3q रख दिया, देखो यहाँ माइनस टू क्यू और यहाँ क्या किया, माइनस क्यू, समझ में आया, ठीक है। अगेन एक लेटरल ट्रायंगल है, अब देखो ये माइनस टू क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। ये माइनस टू क्यू है, यहाँ क्या है प्लस थ्री क्यू है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम बोल सकते हैं कि प्लस टू क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ है। तो देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर लेगा, और माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर लेगा। तो इसको यदि मैं देखो अभी यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, ये पी वन
डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ भी क्या होगा पी टू। तो आप यदि ये पॉइंट ए है, ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो एक वेक्टर इधर है, ठीक है, ये क्या हो गया पी वन, और दूसरा वेक्टर क्या है इधर है, ये वेक्टर क्या होगा पी टू। समझ में आना, इनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब पी वन पी टू का तुम अगेन यदि तुम रिजल्टेंट वेक्टर लिखोगे यहाँ से, तो तुम बोल सकते हो कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा P1, वेक्टर P1 प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर P2। अब P1 P2 लिखो, देखो तो P1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो हम लिख सकते हैं 2qa, P2 कितना होगा बताओ q इंटू ए, सही है। तो हम लिख सकते हैं देखो P1 इज इक्वल टू 2p2, समझ में आई बात। अब वैल्यू लिख दो यहाँ से, तो क्या लिखोगे P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या लिखोगे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। केवल डाइपोल लिखने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, पेयर यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ से तुम वैल्यू रख सकते हो, देखो ध्यान से P इक्वल टू क्या है P1 इक्वल टू, तो लिख सकते हैं 4P2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है P2 स्क्वायर। अरे समझ में आया, ये कैंसिल हो जाएगा, P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू क्या है 2P2 है, यहाँ मैंने देखा, तो भी कितना हो जाएगा तो रूट सेवन P, और वैल्यू रख सकते हो तो रूट सेवन इंटू क्यू। अब डायरेक्शन क्या होगा तुमको ही मालूम है, ठीक है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगा, मैं यदि मान लूँ क्या है, मैं यदि मान लूँ कि यही क्या है पी का डायरेक्शन है, किससे, यदि ये अल्फा एंगल पी वन वैक्टर के साथ है, तो हमने पढ़ा था कि टेन टेन अल्फा इक्वल टू क्या पढ़ा था बता सकते हो, देखो P2 टू साइन 60 अपॉन क्या होगा P1 प्लस P2 cos 60, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ से तुम डायरेक्शन भी लिख सकते हो, अल्फा क्या है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा वेक्टर P, रिजल्टेंट डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है P। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, P2 का वैल्यू रख दो, देखो क्यू ए साइन 60 अपॉन क्या होगा 2QA प्लस QA, ठीक है, बाई 2, और यहाँ लिख सकते हो देखो ध्यान से QQ कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 इंटू, ठीक है 3 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3, ठीक है। ये हमने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं यहाँ ये गलत हुआ है, गलत क्या है कि 5 हो जाएगा, सॉरी 5, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 5। यहाँ से तुम डायरेक्शन भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, क्या होगा रूट 3 बाई 5, ठीक है। तो जब भी वेक्टर है तो वेक्टर को हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करते हैं। एक ये होमवर्क है, देखो ट्राई कर लेना तुम लोग। ये स्क्वायर है, ठीक है, यहां देखो यहां 3q चार्ज है, माइनस 3q, यहाँ प्लस q, प्लस q, और यहाँ प्लस q, ठीक है। ये साइड लेंथ क्या दिया, ये दिया। आपको क्या करना है, देखो यहाँ तीन इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, समझ में आया ना, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होगा P1, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होगा, ठीक है P2, और तीसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, ये होगा P3, समझ में आया। तो तुमको क्या करना है,
नेट फाइंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ कि P वेक्टर P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस क्या हो जाएगा P3, और वैल्यू रख करके तुम लोग बता देना ठीक है इसका आंसर क्या होगा। समझ में आया ना। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। जितने इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे कैलकुलेट करते हैं सब मैं बता देता हूँ सो दैट तुमको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। और एग्जांपल देख लो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है, सेमी सर्कल है। देखो ध्यान से, इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और इसके सरकमफेरेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, अब देखो ये भी चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का है। समझ में आने, ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है। तो यहाँ क्या हो सकता है, डाइपोल हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको आप कैसे सोचोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। समझ में आई क्या बात, ये क्या है इम्पॉर्टेंट है कि इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कैसे सोचोगे, क्या करोगे बताओ। अब यहाँ देखो ध्यान से सोचना है थोड़ा सा, कुछ नहीं बाद में एक ट्रिक बताता हूँ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, तो तुम आसानी से। चलो इसको मैं मान लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। समझ में आया, यही तुम सेंटर मान लो, ओरिजिन ओरिजिन। अब मैंने क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ से कितने, ये थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगुलर विड्थ का, ये थीटा एंगल पे डी थीटा एंगुलर विड्थ का हमने एक डी क्यू चार्ज कंसीडर किया। क्या है डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू कितना होगा बेटा, लिख सकते हो तुम, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेमडा डी एल, और ये कितना होगा, लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, लेमडा का वैल्यू हम बाद में रख सकते हैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो डाइपोल, यहाँ यदि मैं लिखूँ कि इसके और इसके कम्बिनेशन से जो डाइपोल होगा उसको मैं डी पी डिफरेंशियल डाइपोल इसको बोलूँ, डी पी, डी पी वैक्टर, डी पी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइपोल ड्यू टू क्या होगा, डी क्यू एंड क्या होगा, माइनस क्यू। तो अब हम डी पी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डी पी का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं बताओ। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू हम क्या करेंगे, क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड इनटू हम क्या कर सकते हैं, चार्ज लिख सकते हैं। तो क्या हम कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है बाद में देखो यही आएगा, तो हम लिख सकते हैं, या मैं डी क्यू कंसीडर कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, डी क्यू इंटू क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू क्या लिखेंगे, आर, यही होगा। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी पी का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डी पी वैक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो डी पी एक्स कितना होगा बता सकते हो, देखो डी पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सही बात है, अरे सही है। ठीक है, और डी पी क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी कॉस थीटा। अरे ये वेक्टर है ना, क्योंकि हर जगह डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
अब यहाँ से देखो, पहले मैं डी पी एक्स कैलकुलेट करूँ, तो डी पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी आई मीन डी क्यू आर क्या होगा, साइन थीटा। डी पी डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो लेमडा देखो आर स्क्वायर डी थीटा साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ जब आप पी एक्स लिखोगे, देखो थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, टू क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू। अरे समझ में आया क्या, मैंने यहाँ से, तो इधर क्या होगा, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई। तो हम लिख सकते हैं लेमडा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो देखो यहाँ पी एक्स इज साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस लेमडा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, जीरो टू सॉरी पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया, इस एल ओ एस लाइन ऑफ सिमेट्री से हमने क्या किया, थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगुलर विड्थ का हमने रिंग का एलिमेंट कंसीडर किया, उस पर चार्ज क्या है, डी क्यू, डी क्यू और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ उसको हमने डी पी लिखा और डी पी का वैल्यू लिखा और यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देखो पी वाई, देखो पी वाई डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी पी कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, तो पी वाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, लेमडा, ठीक है, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन पाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा। पी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, अगेन जीरो टू सॉरी पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो आई थिंक कितना हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। तो देखो यहाँ से पी वाई इज इक्वल टू कितना मिला, लेमडा आर स्क्वायर टू। और कोई आपसे, अब तो रिजल्टेंट डाइपोल क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या होगा, टू लेमडा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी क्या, यही हुआ ना, ठीक है। अब लेमडा का हम वैल्यू रख, लेमडा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से रख सकते हो, कितना होगा, देखो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, टू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन पाई आर होगा जे कैप, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर पी इज इक्वल टू क्या होगा, टू आर आई मीन टू आर अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू जे कैप, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना लेंदी मेथड कौन यूज करेगा, तो थोड़ा हम आसान मेथड, अब थोड़ा आसान मेथड बता दो, तो चलो एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। इसको याद रखोगे तो कोई भी डाइपोल तुम आसानी से, डाइपोल का फॉर्मूला लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू तुम आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ट्रिक क्या है कि सेमी सर्कुलर, पहले मैं यही क्या है, सेमी सर्कुलर है, इस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू, और इसके सेंटर पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आप बताओ सेमी सर्कुलर रिंग, देखो सर्कुलर आर्क था कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बाय यूजिंग क्या होगा, अब यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल by using concept of center of mass, ठीक है, center of mass के concept को use करके कैसे हम electric dipole। अब देखो क्या है concept, इसमें क्या है, पहले मैं draw करता हूँ concept, बेटा क्या है, देखो इस semi circular क्या है, ring arc है, just मैं बता देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, ऐसे I think हमने लिखा था,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, ए आई क्या है, एल ओ एस है, तो इधर ही कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लेकिन यदि हमने इसको एक्स एक्सिस माना और इसको क्या माना था, वाई एक्सिस, ए एंगल क्या है, अल्फा है, तो हमने ये पढ़ा था देखो एक्स सी ओ एम इक्वल टू क्या था, आर अपॉन अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, और वाई सी ओ एम इक्वल टू क्या था, आर अपॉन अल्फा इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, यही था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला फिर से मैंने लिख दिया, प्रूफ मैंने बताया था क्योंकि इसका यूज है। अभी आपको क्या करना है, समझ में आया, तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, कहीं यही लाई करेगा यहाँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सी एम वाई सी एम हमने लिख डाला। इसको क्या करेंगे, देखो इस टोटल चार्ज को क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल का और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो ध्यान से, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा यही क्या हो गया, एल ओ एस हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा, समझ में आई बात। सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो वाई सी ओ एम आई थिंक क्या हो जाएगा, टू आर अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया क्या हो गया, टू आर अपॉन पाई, और एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैल्यू रख दो वहाँ, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, पाई रख दो वहाँ, तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ज पे जो रिंग है, सॉरी रिंग पे जो चार्ज, चार्ज पे रिंग नहीं, ठीक है, इस चार्ज पे जो, इस रिंग पे जो चार्ज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, रिंग के सेंटर ऑफ मास पे क्या करेंगे, हम रख देंगे, ठीक है। तो देखो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, अब देखो यहाँ हमारा है, यही क्या है, देखो यही रिंग का सेंटर ऑफ मास है, सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यही ओरिजिन है, अरे यही लाई कर रहा है ना, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, टू आर अपॉन क्या हो जाएगा, पाई, सही है, यही सेंटर है। यहाँ क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो देखो तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही होगा, और यहाँ पी का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज क्या होगा, टू आर अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। देखो तो यही आया था क्या, अरे यही रिजल्ट आया था क्या। तो क्या करना है, यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज है, तो उस चार्ज को क्या करो, उस चार्ज बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे रख दो, और फिर सिंपल पॉइंट मास वाला, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज करो, आसानी से क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख सकते हो, कोई इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं। मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सिंपल, यदि तुमको लेकिन ये याद होना चाहिए, चार्ज यदि मालूम नहीं है देन विषय सांपला, समझ में आया ना। क्या करना है, डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास, जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ, अभी मैंने क्या किया, देखो तुम ध्यान से, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इस पे क्या है, प्लस, और यहाँ हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज रखा। तो सबसे पहले ये देख लो कि एल ओ एस के डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एल ओ एस, दिस इज द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा, कहाँ, देखो यहाँ, यही सेंटर ऑफ मास होगा ना, सी ओ है। अब इसके, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है, यही सेंटर ऑफ मास है, इस पे क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ क्या किया, माइनस क्यू चार्ज। अब तुम आसानी से क्या कर सकते हो, डाइपोल कैलकुलेट कर सकते हो, यही डाइपोल का डायरेक्शन होगा पी का, ठीक है, समझ में आया ना। यदि मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको क्या करूँ, वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी लिख सकते हो, ये आर हो जाएगा, ठीक है, आर सी ओ एम। अब वाई सी ओ एम कितना होगा, देखो वाई सी ओ एम का फॉर्मूला क्या था, आर बाई अल्फ़ा इंटू वन माइनस क्या है, कॉस अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा, देखो आर, टू आर अपॉन पाई। एक्स सी ओ एम कितना हो जाएगा,
अगेन 2R अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो एक्स सी ओ एम मिल गया और मुझे वाई सी ओ एम मिल गया, आई मीन R भी मिल गया। देखो R सी ओ एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस क्या होगा वाई सी ओ एम, क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। और यहाँ से R सी ओ एम का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो रूट टू, ठीक है, इन टू टू आर अपॉन क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, अब कोर्स ये कितना होगा 45 डिग्री पे होगा। तो तुम यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो और डायरेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि मैग्नीट्यूड लिखोगे, देखो मैग्नीट्यूड आई मीन ये लिखोगे क्या, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे P इंटू क्या लिखोगे R C O M इंटू Q, यही होगा क्या। तो R कितना होगा टू रूट टू, ठीक है, R अपॉन पाई इंटू Q। ये तुमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। यदि आपसे कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, P cos 45 I कैप प्लस क्या होगा P sin 45 जे कैप। ठीक है, और यहाँ से P का वैल्यू रख दो तो आपको मालूम चल जाएगा, देखो cos 45 sin 45 ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 2R क्यू अपॉन पाई इंटू क्या होगा I कैप प्लस क्या हो गया जे कैप। यही तुमको क्या मिल गया, P वेक्टर मिल गया। तो यदि तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेंटर ऑफ इस रिंग पे जो चार्ज है उसको क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देना है और फिर सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो ये ट्रिक है, जब भी आपको इसके द्वारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना हो तो बेटर ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करें, यूज करें। जैसे और एक एग्जांपल है, इसको ट्राई कर सकते हो तुम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उतने टाइम नहीं है, लेकिन आपको इसको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना। अब मैंने ये बोला, देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और इधर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, रेडियस क्या है आर दिया हुआ है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करना है। इसको तुम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना। ठीक है, देखो इस पे मैंने क्या किया, प्लस क्यू रख दिया और इधर क्या है माइनस क्यू है, ये रेडियस क्या है आर है, सेंटर जीरो जीरो है। आपको अगेन क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लिख सकते हो तुम, और एग्जांपल क्या, कुछ और लिख ले, बोलो तुम लोग तो और क्या लिख सकते हैं। चलो शेल है, स्फेरिकल शेल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्फेरिकल शेल है, देखो ध्यान से, इस पे इधर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, सेल का मतलब क्या हो हॉलो स्फीयर, और इधर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू और इधर क्या है माइनस क्यू, इसका रेडियस क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या है हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, समझ में आया ना। तो ऑल केस में क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एज शोन इन द फिगर। सभी को क्या करना है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस चार्ज को क्या करो, इस रिंग के सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास पे, इसको इसके सेंटर ऑफ मास पे, फिर सेंटर ऑफ मास के बीच सेपरेशन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसी तरह इसको, फिर उसी तरह इसको। ठीक है, और मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस केस क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको बेटा ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं तो वही है ना, मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई करोगे तो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब यहाँ देखो फोर्स ऑन, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें दो केस हम पढ़ेंगे, समझ में आया ना। पहला जो टाइप होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया। पहले थोड़ा हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम चेक कर लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे देखो, पहले जैसे देखो यहां क्या है, ठीक है, तो यहां देखो क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा डायरेक्शन बोथ क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, क्यों, क्योंकि स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव फील्ड लाइंस क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड, या मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हर जगह सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ देखो, यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऐसे नहीं, थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा ऐसे सेम होना चाहिए स्पेस। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बट देखो डायरेक्शन क्या है, बट डायरेक्शन आर क्या है, डिफरेंट। समझ में आया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म जब भी मैं बात बोल रहा हूँ इसका मतलब ये वाला केस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स और दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो यही क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें क्या किया गया, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का
चार्ज होगा और बट अपोजिट नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया और इधर हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला लाइन है, इनके बीच सेपरेशन जो है, देखो यही इनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या है, 2a है, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज निगेटिव चार्ज से किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, समझ में आया। दिस इज द डायरेक्शन, अब क्या होगा, पी, पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी इक्वल टू 2qa, यही होगा ना, ठीक है। अब फोर्स कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचना है। देखो यहां से यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है, ठीक है, समझ में आया। अब जब हम फोर्स लिखते हैं तो एफ कूलम फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना, सिंपल। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हुआ, देखो यहां मैं लिख रहा हूं एफ ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन प्लस चार्ज प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्या होगा, माइनस चार्ज, यही होगा क्या, ठीक है। तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो इधर किधर लगेगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, देखो यहाँ ये, यदि चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, आई मीन इस पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, एफ मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। और निगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, एफ माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, एफ प्लस, एफ प्लस को मैं लिख सकता हूँ एफ प्लस इंटू आई कैप, इधर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इधर देखो एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, और इधर क्या हुआ, वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। उसके बाद मैंने लिखा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इंटू क्या होगा, माइनस आई कैप, यहाँ हम लिख सकते हैं एफ प्लस माइनस एफ माइनस, ठीक है, इंटू क्या हो गया, आई कैप, यही क्या हुआ, फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है। अब एफ प्लस का वैल्यू रखो, मैग्नीट्यूड देखो, तो एफ प्लस का मतलब क्या हुआ, क्यू इंटू ई, ठीक है, और एफ माइनस फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ प्लस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो यहाँ आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कि फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो बेटा ये याद रखना है कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी ऑलवेज जीरो। क्या होगा, डाइपोल पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आई बात। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आई बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में क्या होगा, नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यदि किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, ठीक है,
समझ में आया? तो नेट फोर्स क्या होगा, अलवेज क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग क्या होगा कि कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। देखो ध्यान से, डाइपोल से पूरा रिलेटेड यही हम कॉन्सेप्ट डील कर लेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ टॉर्क, टॉर्क ऑन क्या होगा, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क भी जरूरी है। अब देखो ये क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आई बात, यही दिस इज डाइपोल। आप मान लो इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, यही क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, समझ में आया। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यही टी का क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। अब थीटा इज द क्या है, एंगल बिटवीन। इसी को देखो, यदि मैं ओरिजिन मान लूँ, ठीक है, ओरिजिन इसको नहीं, इसको सेंटर। अब देखो इनके बीच सेपरेशन क्या है, टू वे है, ठीक है। समझ में आया, इसी को ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है और टू वे क्या है। अब देखो यहाँ P इक्वल टू हमने मान लिया, आई मीन ये टोटल जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ है, टू वे दिया हुआ, समझ में आया क्या, ये लेंथ जो है वो क्या है, टू वे है। तो P का जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, टू क्यू ए हो जाएगा, समझ में आया। अब ये याद रखना कि इस पे, चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें, दिस इज एफ प्लस और दिस इज क्या होगा F माइनस, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था बेटा, रोटेशनल मोशन में जब मैं पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि यदि नेट फोर्स जीरो हो जाए तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आप क्यों इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ठीक है। टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म कपल। तो यदि दो फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो उनके द्वारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, चॉइस ऑफ ओरिजिन से क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स एफ डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या है, जीरो है, हैंस क्या है, हैंस टॉर्क, टॉर्क ऑन क्या होगा, डाइपोल इज, टॉर्क ऑन डाइपोल डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा, चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट और क्या होगा, और ओरिजिन, समझ में आया ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली हम इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और प्रॉब्लम आया, क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, रोटेशनल मोशन में मैंने प्रूव किया था, ठीक है। तो अभी हम टॉर्क किसके अबाउट लिख रहे हैं, ओ के अबाउट लिख रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं इसका मास आइडेंटिकल नहीं है, m1 और क्या है, इसका मास क्या है, m2 है,
समझ में आया क्या है M1 एंड क्या है M2 है, ठीक है। अब अभी देखो अभी क्या है, टॉर्क लिखोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, नेट टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू प्लस एफ, एंड क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू प्लस एफ एंड क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो आर क्रॉस एफ देखोगे, इसके अबाउट लिख रहा हूँ तो आर क्रॉस एफ, पहले देखो इसके द्वारा भी टॉर्क क्या होगा, यही आर का डायरेक्शन होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ भी देखो आर का डायरेक्शन ही होगा क्योंकि इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा। यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ, देखो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटू क्या होगा, मोमेंट आर्म, यहाँ मोमेंट आर्म कितना होगा बेटा, ए है तो ए वाला कितना हो जाएगा, देखो दे कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एफ प्लस ए साइन थीटा, सही है। इसका भी देखो मोमेंट आर्म कितना होगा बेटा, इसके द्वारा भी मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा, ए थीटा, ई भी थीटा, तो ए कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस एफ माइनस ए साइन थीटा, और डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, ठीक है, क्या है डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। अब आप नेट टॉर्क लिखो, टॉर्क ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्यू इंटू क्या लिखोगे, ई, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई ए साइन थीटा, सही है। तो देखो टॉर्क ऑन क्या हो जाएगा, डाइपोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू क्यू टू ए, देखो टू ए क्यू ई क्या हो गया, साइन थीटा, और यहाँ हमने टू के ई टू क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, समझ में आया। और यहाँ यदि मैं थोड़ा सा देखो पी ई साइन थीटा, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा, डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई, देखो ध्यान से पी का डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में है क्या, तो पी क्रॉस ई, देखो इधर ध्यान से पी का डायरेक्शन ऐसे ही है ना बेटा, देखो पी ई ई का डायरेक्शन ऐसे है और पी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, यही एंगल थीटा है, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन, यहाँ टॉर्क का डायरेक्शन क्या बोले, देखो यदि डायरेक्शन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज और इनटू द बोर्ड, तो पी क्रॉस ई जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, समझ में आया ना, क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, चॉइस ऑफ ओरिजिन पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, किस केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो टॉर्क आपसे कोई पूछे, सडनली पूछे कि बेटा मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो फोर्स तो हमने देखा था कि अलवेज जीरो होगा, क्या टॉर्क अलवेज जीरो होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, टॉर्क क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, पी क्रॉस ई, पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क हम बोल सकते हैं कि जब भी क्या करोगे आप, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क जीरो कब कब होगा, जब आपको ही मालूम है थीटा क्या हो जाए, जीरो डिग्री हो जाए और क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, आई मीन क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल आइदर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, डायरेक्शन में हो जाए, अलाइन कर जाए, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं, जैसे देखो यहाँ, तो अब याद रखना है कि इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में हम ये लिख सकते हैं कि क्या होगा
व्हेन क्या होगा, व्हेन देखो, व्हेन पी वेक्टर इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। आई मीन देखो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में क्या है, यहाँ डाइपोल जो है अलाइन कर गया है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, आई मीन इधर पी का डायरेक्शन। तो इस केस में टॉर्क ऑन डाइपोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, एंटी पैरेलल, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जहां टॉर्क कौन सा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जहां टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हम लिख सकते हैं व्हेन क्या होगा, व्हेन देखो पी इज एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, तो जब आई मीन यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है और डाइपोल जो है वो किधर रखा गया है, डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो यहाँ भी टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्रॉस ई, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये भी लिख सकते हैं हम, समझ में आया, क्या लिख सकते हैं, थर्ड केस देख लो कि व्हेन क्या होगा, व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ई, दैट इज क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस इन सिचुएशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, हॉरिजॉन्टली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ टॉर्क डाइपोल पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और क्या हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क, देखो इन दो केस में टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर टॉर्क क्या है, जीरो नहीं है। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का वैल्यू जो होगा, याद रखना क्या क्या हो सकता है, आई मीन टॉर्क डाइपोल पे जो टॉर्क का वैल्यू होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, पी हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, इसी के बीच कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, ये समझ में आया बेटा। तो जब भी हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क क्या होगा, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्स जो होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ SHM से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, मिनिमम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में अपने को क्या है, पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आते हैं कि टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फोर्स क्या है, जीरो है, डाइपोल हमने हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने अभी देखा था। ठीक है, अब अभी आप मान लो, ठीक है, अब देखो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन
ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना टाइम हो गया? कितना है घंटे का? 25 है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको ज़्यादा हो जाएगा। कल बताता हूँ कि टाइम पीरियड हम क्या होगा। कोई भी डाइपोल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली यदि हम डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है। तो हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं कल पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आज ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा लेक्चर जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, तो कल बताता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।